गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी देख सकते हो रात को निकला, अभी ध्यान बता दो आपको 10:11 हो रहा है और आज आप लोग को दिखाएंगे थोड़ा सा नाइट लाइफ का मुंबई, मतलब मुंबई का नाइट लाइफ कनिंग, मतलब नाइट लाइफ इन द सेंस की मतलब क्लब वगैरह नहीं जा रहा हूँ कि क्लब वगैरह तो मैं ऐसे ही प्रेफर नहीं करता हूँ, जाना पसंद नहीं है मुझे। लेकिन आप देख सकते हो मैं अभी काटर रोड में हूँ और काटर रोड ये बोल सकते हो काटर और बैंड्रा की तरफ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर आप फार की तरफ चले जाओगे, पेट्रोल थोड़ा सा कम है तो वो फिल कर लेंगे। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा लिंकिंग रोड, काटर रोड तो हो ही गया अभी, मतलब जस्ट दिखा दूंगा जाते समय। उसके बाद लिंकिंग रोड, उसके बाद जुहू जाऊँगा, जुहू के बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। यार ये है भाई अपनी स्कूटी, बिल्कुल देख सकते हो, थोड़ा सा ढक के रखता हूँ ना तो थोड़ा सा, मतलब भाई आप महीने में या दो महीने में एक बार वॉश करोगे तो चलेगा, लेकिन भाई अगर ढक के नहीं रखोगे तो भाई दूसरे ही दिन आपको गाड़ी धुलाना पड़ेगा। तो भाई इससे बेहतर है कि एक कवर ले लो और कवर करके रखो स्कूटी को। तो भाई ये देख लो, मोटो ब्लॉक पे आ गया हूँ। होप आप लोग को आवाज़ आता होगा, रिकॉर्ड करता होगा ऑडियो, कभी कभी यार गोप्रो है ना धोखा दे देता है ना यार। तो लो जी अभी हम चल रहे हैं काटर रोड में, थोड़ा सा संडे है ना भाई आज, तो इसके वजह से थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, लोग संडे को निकलते हैं। हाँ जी बताना भाई कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा वीडियो में, पता नहीं यार क्वालिटी यार थोड़ा सा गोप्रो को रात में मुझे लगता है गोप्रो को इम्प्रूव करना चाहिए, लो लाइट क्वालिटी कहने का मतलब है। कावासाकी भाई मुझे अगर इस बाइक पे बैठने बोलेगा ना तो नहीं बैठ पाऊँगा मैं सच में यार। आवाज़ भी देखो, कॉफ़ी डे इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक यूटर्न लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं खार लिंकिंग रोड और फिर पेट्रोल भराते हैं, उसके बाद चलेंगे लिंकिंग रोड होते हुए जुहू बीच। आज को आप आज रात को दिखाएंगे भाई जुहू बीच। अभी तक जहाँ तक न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ पहाड़ों में भी यार स्नो उतना अभी मतलब पड़ा नहीं इस वर्ष, पता नहीं लेट गिरे या इस बार गिरे ही ना। तो कभी कभी होता है भाई कि स्नो वगैरह किसी सीज़न में कम पड़ता है। ये लो भाई काटर रोड, यहाँ से समझ जाओ कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट है बांद्रा की तरफ से और खार की तरफ से एंड पॉइंट। थोड़ा राइट साइड में एक कोस्टल रेड का प्रोजेक्ट का एक कनेक्टर बन रहा है, इंटरचेंज बोल सकते हो, कनेक्टर बोल सकते हो, तो वो थोड़ा सा इधर है। बाकी ये भाई काटर रोड ख़त्म, यहाँ से भाई रात के 10:30 बजे, सॉरी कितना टाइम हो रहा, 10:22 में इतना ट्रैफिक, संडे है भाई लोग निकलते हैं एकदम फ्री होके। चलो निकलते हैं इस ट्रैफिक से, पेट्रोल पंप के पास आ गए हैं और भराते हैं भाई पेट्रोल यहाँ से सबसे पहले। जी ये लो जी, ये काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है और सबसे पहले भाई पेट्रोल भराते हैं। देख सकते हो लग रहा है आगे पेट्रोल डीजल भरेगा, मतलब कहने का मतलब है ओ माय गॉड आज कितना, आज कुछ ज़्यादा भीड़ है यार। चलो कोई बात नहीं भराते हैं भाई। तो भाई पेट्रोल भरा लिया हो, अब चलते हैं लिंकिंग रोड यहीं से। देखो ओह अभी बताता हूँ, ज़रा इधर से बताता भाई, इधर से बताता हूँ। ये भाई SB रोड हो गया, ये समझ रहे हो ये SB रोड है। अभी ये देखो यहाँ पे एक सिग्नल है और सिग्नल से मेरे थोड़े से राइट साइड में आप जाओगे जो ब्रिज जो बन रहा है वो SB रोड है, स्वामी विवेकानंद रोड, और ये जो लेफ्ट में जाओगे ये हो जाएगा क्या लिंकिंग रोड, और ये इधर आप जाओगे तो भाई टर्नर रोड होते हुए सीधा आप काटर रोड चले जाओगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक बोल सकते हो जंक्शन है और यहाँ पे मतलब थोड़ा लंबा ट्रैफिक रहता है इधर। तो ये देखो मैं लिया लिंकिंग रोड में इन, ये देखो ये हो गया लिंकिंग रोड भाई, यहाँ से लिंकिंग रोड शुरू जो कि सेंटा क्रूज
तक है, उसके बाद भाई एयरपोर्ट, उसके बाद फिर थोड़ा जुहू के बाद फिर ये लिंक रोड स्टार्ट हो जाता है। ये लिंकिंग रोड और वो लिंक रोड है, दोनों में डिफरेंट है भाई, आप समझना। ये लिंकिंग रोड है और वो लिंक रोड है, तो भाई इसको गलती से लिंक रोड मत बोल देना, आप रॉन्ग हो जाओगे। फिर आपको पहले भी इस मतलब इलाका को दिखाया हूँ और आज पहली बार है कि मैं आप लोग को रात में थोड़ा सा यहाँ पे नज़ारा दिखा रहा हूँ भाई। ये हो गया भाई लिंकिंग रोड का चप्पल मार्केट लेफ्ट साइड में, जो कि अभी थोड़ा सा मतलब बंद हो गया है, बीएमसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो इसके वजह से। बाकी ये आगे हम केएफसी के पास, तो भाई ज़रा ट्रैफिक रूल का फॉलो करो, किया करो आप लोग, ठीक है, तभी तो यार अपना देश सुधरेगा। हम सुधरेंगे तभी तो देश सुधरेगा ना, तो सबसे पहले हम सुधरते हैं फिर देश अपने आप सुधर जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो अपन चले जाएंगे सीधा जुहू बीच। तो ये भाई ये लिया, अपना सिग्नल चालू है लेफ्ट का, तो ये भाई लेफ्ट ले लिया, अब चलेंगे जुहू भाई, जुहू का नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को, वो भी नाइट व्यू। आजकल रोड भाई मुंबई में बहुत खटारा हो गया यार, खटारा समझ रहे हो ना, बहुत ही बेकार। यहाँ से बोल सकते हो कि जुहू स्टार्ट हो गया है, करने का मतलब ये देख रहे हो टर्निंग, तो ये राइट साइड यहाँ से टर्न हो जाती है रोड और ये यहाँ से जुहू बीच स्टार्ट हो गया भाई। आप इसके मतलब जुहू बीच जाने के लिए सबसे पहले तो एक मतलब गेट यहाँ पे है लेफ्ट साइड में एकदम बिल्कुल यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ ये वाली, देखो पहला गेट यही है, अगर रोड से बात करोगे तो ये एक। रात में जुहू बीच का नज़ारा आप लोग को, वो माय गॉड। हाँ जी, एक ये फाइव स्टार होटल बोल सकते हो सी प्रिंसेस। थोड़ा सा रात है भाई, अंधेरा है, रात तो है ही, इधर लाइट का थोड़ा सा अरेंजमेंट कम है तो वो देख लेना। फॉग लाइट जलाऊं क्या? ये लो भाई जला दिया, थोड़ा सा व्यू अच्छा आएगा, देखने में अच्छा लगेगा। बाकी पहले ना जो ये पोस्टर लगा है एडवर्टाइजिंग का इंडियन पुलिस का, पहले यहाँ पे बहुत सारा रहता था तो एक अलग मज़ा आता था। फॉग लाइट बंद कर देता हूँ, क्या पता चले पुलिस ही पकड़ ले। और ये इसी के साथ भाई जुहू बीच आ चुका हूँ, अभी दिखाता हूँ जुहू बीच का रात का नज़ारा भाई। थोड़ा सा ये लाइटनिंग वगैरह हुआ है लेकिन ब्यूटिफिकेशन का पूरा काम अभी तक से फिनिश हुआ नहीं है, और जैसा कि देख सकते हो भाई यहाँ पे ऑटो रिक्शा और गाड़ी अभी खचाखच भरा हुआ है। थोड़ा सा तो जगह देख लेते हैं कहाँ पे पार्क कर सकते हैं, यहाँ तो बस स्टॉप है, लोग बस स्टॉप में भी स्कूटी पार्क कर दी है भाई, तो देखना पड़ेगा यार कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ। यहाँ एक जगह दिख रहा है, इसके से घुसाता हूँ, चलो यहाँ देखते हैं, लगाते हैं यार, यही ज़्यादा अंदर तक जाऊँगा नहीं ना, यहीं पे रहता हूँ भाई, चलो देखते हैं। देख लो भाई जुहू बीच का रात का नज़ारा आप लोग ज़रा, ये लो जी देखो, अभी हेलमेट ही पहने आ गया हूँ, थोड़ा हेलमेट खोलता हूँ थोड़ी देर में। बाकी देख लो व्यू कैसा है रात का, शाम होते होते ये थोड़े से जब भाई मार्केट जो लगता है ना उसके गंदगी हो जाता है, लेकिन फिर सुबह में ये 10-11 बजे तक ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। चलो देखते हैं अभी। ये लो भाई अभी मोबाइल कैमरे से शूट कर रहा हूँ, पता नहीं थोड़ा सा जर्क लेता है ये यार, बोलता है वीवो कि स्टेबलाइजेशन इसका बहुत अच्छा है, लेकिन जब मोमेंट मतलब होता है ना, जब मूव करता हूँ मोबाइल को कितनों भी स्मूथ मैं कोशिश करता हूँ लेकिन वो जर्क लेता ही लेता है। तो बाकी देख लो नज़ारा। तो ये लो भाई थोड़ा सा जो यहाँ पे लाइटिंग का काम हुआ ना, यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ, यहाँ पे तो भाई मतलब मस्त क्वालिटी आ रहा है बोल सकते हो, क्योंकि ये LED जो लाइट लगा हुआ ना भाई, एक अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे ब्लॉग करने में, वीडियो बनाने में। जैसा कि देख सकते हो अभी यहाँ पे चारों साइड दिखाता हूँ, ये लोग यहाँ पे आपको चारों साइड, अभी ये पूरी तरह से मतलब फिनिश नहीं हुआ,
जैसा कि देख सकते हो ये अभी लोहे की मतलब का ही है, मुझे लग रहा है और इसमें काम होना बाकी है। तो ये है भाई रात का नज़ारा जुहू बीच का, आप लोग बताना कैसा क्या लग रहा है नहीं लग रहा है वो भी बताओ। और बाकी ये साइड थोड़ा सा भीड़ भाड़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। क्या बोलते हो भाई? हेलो, हाँ जी ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है चलो जी। और दो छोटे छोटे बच्चे मिल गए हम लोग से, हाँ हेलो भाई। भाई थोड़ा सा पानी के नज़दीक आ गए हैं और पुलिस वाले भी सीटी बजा रहे हैं कि भाई निकलो निकलो, तो जस्ट थोड़ा सा और नज़दीक जाते हैं उसके बाद निकलते हैं भाई। अब पुलिस वाले के बात तो मानना पड़ेगा ना भाई। बाकी देख सकते हो यार थोड़ा सा मतलब सामने कितना मतलब रात में आके लोग कितना कचरा कर देते हैं भाई। हालांकि ये सुबह साफ़ हो जाता है लेकिन क्या कर सकते हो भाई, ये देखो पानी नज़दीक आया ना बिल्कुल, अभी जाते जाऊँगा नहीं जूते मेरे गिल्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे आना बनता था ना भाई, क्योंकि नहीं आऊँगा तो भूल गए यार जो बीच दिखाने का क्या ही मतलब है। तो भाई एकदम पानी के नज़दीक आ गया जैसा कि पीछे देख सकते हो। अभी चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा चलेंगे हरे रामा कृष्ण मंदिर की तरफ। तो भाई चलो अब चलते हैं, यहाँ का कार्यक्रम ऑलमोस्ट हो ही गया। रात का 11 बजे का नज़ारा जुहू बीच से ले लो, थोड़ा सा ट्रैफिक। अरे भाई क्या हो गया, बंद हो गया लग रहा है। चलो भाई यहाँ पे आ गया कॉर्नर पे बोल सकते हो, यहाँ पे खाने पीने की जितने भी शॉप्स हैं इधर है छोटे छोटे। आपको जो बीच में क्या फेमस है पता है ना? बाकी ये JW मैरियट होटल 5 स्टार बॉलीवुड का जमावड़ा होता है यहाँ पे। आ गया ये भाई जुहू चर्च का सिग्नल के पास, आप राइट साइड चले जाओगे तो विले पार्ले स्टेशन की तरफ और सीधा जुहू चर्च और हरे रामा कृष्ण मंदिर इस्कॉन टेम्पल। आप जुहू बीच यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, देखो ये लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना लोग, जो भी से ही आ रहे हैं। बाकी ये भाई मुंबई का नाइट लाइफ है, लोग एकदम भाई ऐसे भी कहावत है ना भाई, मुंबई कभी सोता नहीं है, तो सोता नहीं है तो सोएगा नहीं तो क्या करेगा, जागेगा, और जागेगा तो क्या करेगा भाई, घूमेगा। तो ये लो भाई जुहू बीच, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा भीड़ है यार, अच्छा खासा भीड़ है भाई अभी भी, मतलब हमको लग रहा है भगाते होंगे। ये लो जी नहीं जा रहे अंदर, पार्क करके नहीं जा रहे हैं, आप लोग यहीं से देख लो। बाकी चलते हैं भाई, क्योंकि उधर स्कूटी लेके जाने का परमिशन है नहीं, नोट अलाउड। तो चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा भगवान का दर्शन कर लेते हैं बाहर से ही। शाम मतलब रात हो गया ऑलरेडी, तो बंद टेम्पल तो बंद ही हो गया होगा इस्कॉन टेम्पल, तो बाहर से ही नमन कर लेते हैं, जब इतना दूर आया तो बनता है भाई। ये लो जी आ गए इस्कॉन टेम्पल के पास, अभी सबसे पहले आएगा लेफ्ट साइड में मुक्तेश्वर देवालय, देवालय है या देवस्थान है थोड़ा सा मतलब नाम में यार कंफ्यूज कर जाता हूँ, जो भी है तो वो है मुक्तेश्वर देवालय। और ये देखो अभी आया लेफ्ट साइड में, आगे देख सकते हो ये देवालय ही, हाँ मुक्तेश्वर देवालय, ये काफ़ी अच्छा मंदिर है यार, मैं बहुत बार जा चुका हूँ, अगर आप नज़दीक से हो तो जा सकते हो दर्शन कर सकते हो बाबा भोलेनाथ का और 10 अवतार का। ये है राइट साइड में इस्कॉन टेम्पल, अभी यहाँ रुकते हैं भाई। इस्कॉन टेम्पल का श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर ये है, मैं इसमें भी बहुत बार जा चुका हूँ, तो मतलब थोड़ा सा मन को शांति यार अच्छा लगता है यार, अगर आप आ रहे हो तो मतलब इस्कॉन पता ही है बहुत फेमस है, पूरा वर्ल्ड में आपको मंदिर मिल जाएगा इस्कॉन टेम्पल। ये बिल्डिंग देखो राइट साइड में, ये है अमिताभ बच्चन जी का एक बंगला। ये जो एरिया जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली जुहू स्कीम का एक पार्ट है, तो बोल सकते हो मतलब लिंक रोड ही है, ये लिंक रोड है, आपको लिंकिंग रोड दिखाया था, ये लिंक रोड है, तो लिंक रोड आगे से स्टार्ट हुआ है, तो इसके दोनों साइड देख सकते हो ज़्यादातर जो है ना सब बॉलीवुड के मतलब स्टार लोग हैं, वो उनका घर है, मतलब भाई बॉलीवुड बसिंदों का एक इलाका बोल सकते हो एक तरह से है। हम अभी लिंकिंग रोड में आ चुके हैं भाई, 11:30 बजे मुंबई में, अभी एक सिंगल टी शर्ट पे हूँ, तो बता सकते हो भाई
आप लोग कितने ठंड में होंगे उत्तर भारत में। यहाँ से राइट लेंगे और वापस चले जाएंगे काटर रोड एरिया में, तो चलो वहीं पे चलते हैं। इंडिया में भी आजकल इलेक्ट्रिक कार काफ़ी मतलब भाई निकलने लगा है, और अभी न्यूज ही रिसेंटली मैं पढ़ रहा था भाई 30 बिलियन टेस्ला इन्वेस्ट करने जा रहा है इंडिया में। वापस आ गए काटर रोड में, जस्ट पीछे गया कॉफी डे, और एक लोकेशन देखते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा हो। काटर रोड से ही ब्लॉग स्टार्ट किया था और भाई काटर रोड में ही ब्लॉग ख़त्म करूँगा वो, क्या बोलते हो, सही है ना भाई। तो जी आ गया काटर रोड में, और भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइट दिख गया, सामने से भी लाइट आ रहा है और यहाँ पे भी एक लाइट है, तो यहाँ पे लाइट थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। बाकी इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।